चाहेंगे इस आमरण अनशन पर बैठे हुए लोग यहाँ पर? मैं 40 दिन हो गए मेरे लिए धरनारत हूँ। मैं डॉल्फिन कंपनी से हूँ, डॉल्फिन कंपनी कंपनी बेस वर्कर हूँ। अब 3 तारीख से मैं अनशन पर बैठी हूँ, आमरण अनशन पर बैठे हैं। मेरी हालत भी ख़राब हुई, यहाँ पर मुझे हॉस्पिटल भी भेजा गया। अनशन रखा था मैंने, मैं 3 बार बेहोश हुई यहाँ। यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि लोग नखरे कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कोई नखरे करता है? हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे हम 40 दिन से हमारे पास कोई पैसा थोड़ी नहीं आ रहा है। इतनी सैलरी नहीं थी हमारे लिए, 5,000 में हम न्यूनतम वेतन नहीं था हमारे, हमारे लिए बोनस भी नहीं मिलता था। हम 5,000 में अपने परिवार कैसे पालता? इतने बैंक बैलेंस तो था नहीं जो हम 40 दिन तक अपना खर्चा चला लेंगे। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, बच्चों के पेपर आ रहे हैं, हम परेशान हैं, बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भी रहे हम, हमारा SI भी नहीं बनाया। मगर फिर भी मैं अपने, मेरे पति अभी लगे हुए हैं कंपनी में SI से, उनके SI से मैं हॉस्पिटल में भी रही। अगर मुझे कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार इसकी हमाकाई लेता है कि प्रशासन जिम्मेदार रहेगा? प्रिंस धवन कंपनी का मालिक जिम्मेदार रहेगा? अगर मुझे कुछ होता, अभी मेरी इतनी पोजीशन है, मैं 3 दिन से आ भी नहीं पा रही हूँ, 2 घंटे आती हूँ फिर नहीं आ पाती हूँ। मेरी बहनें हैं सारी, इनकी हालत देखो जे, अभी आमरण अनशन पे हैं, कल से जे परमानेंट अनशन पे बैठेंगी। कल हमारी महापंचायत है, उसमें जे बिल्कुल भी अनशन पे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अनशन पे कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, चाहे मरे चाहे कुछ भी हो। इसी चीज़ के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, या तो हमारे समझौता कराए, नहीं तो प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। 3 लोग बैठे हुए हैं, 5-6 बहनें हमारी अनशन पर बैठी हुई हैं। 6 बहन में इसकी जेवी हॉस्पिटल में जा चुकी है, इसकी भी तबीयत खराब हो चुकी थी। क्यों हॉस्पिटल में ले जा रहे हो तुम? अपने लिए भी बचाव के लिए हॉस्पिटल में ले जा रहे हो? क्यों बचाव के लिए ले जा रहे हो? तुम कहते हो बेटियों, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, क्या महिलाओं बेटियों की क्या सुरक्षा हो रही है? हमारी बेटियां नौकरी कर रही हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा। हर बेटी माँ बहन परेशानी में घर से बाहर निकलती है, पर उनकी क्या सेफ्टी हो रही है? कोई सेफ्टी नहीं। हमारा जो न्यूनतम वेतन है वो तो दो, हमारा जो बोनस, जायज मेहनत हमारी दो, जायज मेहनताना भी हमें नहीं मिल रहा है, और हमारी जान पे बीत कर भी आप लोग हमारी बात को नहीं सुन रहे, तो कब सुनोगे? कैसा ये देश हो गया है? कैसा ये BJP की सरकार है? कुछ तो करो। कहते हैं कि दीदी राज बनाएंगे, कैसा ये राज बनने आए? हम महिलाओं के साथ तो अत्याचार हो रहा है। मालिक कह रहा है कि हम नहीं लगाएंगे लेडीजों, क्यों नहीं लगाएंगे? जब जवानी हमने आपकी कंपनियों में काट दी, तो बुढ़ापा लेके हम कहाँ जाएंगे? हम तो जब तक आवाइए, हम पहले से ठेकेदारी में होते, हम कंपनी बेस के वर्कर हैं। हमारे लिए क्यों बाहर कर दिया? हमारे जबरदस्ती क्यों ठेके में डाल रहे हैं हमारे लिए? इस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार है प्रशासन। हमें तो गुंडा एक्ट लगाएगा, जिला बदर करेगा, हम पर कानून सारे लागू करेगा, क्या मैनेजमेंट पर, क्या मालिक पर कोई कानून लागू नहीं होता है? उन पर भी कोई कानून लागू होता है। इसलिए हमारी यही मांग है, हम कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, और हमारे साथ इतना अत्याचार ना हो। जे पुलिस प्रशासन हो, मैनेजमेंट हो, सबके लिए सुनने के लिए तैयार ना है। अगर कुछ भी होता है हमारी माँ बहनें महिलाओं के लिए, तो वो पूरी तरह से जिम्मेदार है।